खबरों में हैदम। सबसे पहले हम रीवा इंडिया न्यूज़, हम नहीं हमारी खबरें बोलती हैं। देखें कमलेश मिश्रा के साथ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीवा इंडिया न्यूज़। तो चलिए देखते हैं आज की यह खबर। डिवाइडर से हुई बड़ी घटना, महिला की हुई मौत, आक्रोश में आए उपनगरी क्षेत्र के रहवासी। मंडला मामला उपनगरी क्षेत्र महाराजपुर थाने के सामने का है, जहां पर जब से यह डिवाइडर का निर्माण हुआ है सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको लेकर उपनगरी क्षेत्र निवासियों ने जिला प्रशासन के सामने उस डिवाइडर को हटाने के लिए आवेदन किया, निवेदन किया, मगर जिला प्रशासन ने आज तक इनके आवेदन निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले दो दिन पहले महाराजपुर ही निवासी गीता नामदेव की मृत्यु उस डिवाइडर से टकराने से हो गई, जिसको लेकर उपनगरी क्षेत्र रहवासियों ने आंगन तिराहा पर सबको रखकर जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मौके की नजाकत को समझते हुए नगरपालिका सीएमओ ने आकर ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि बैठक बुलाकर इस डिवाइडर का क्या करना है निर्णय लिया जाएगा। रेवा इंडिया न्यूज के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। पब्लिक में आक्रोश भी बहुत ज्यादा है, तो ये डिवाइडर थोड़ा हटने चाहिए। जैसा कि जवाबदार सीएमओ साहब और एसडीएम साहब वगैरह आए हुए थे, उन्होंने एक सप्ताह का टाइम मांगा है, क्योंकि प्रक्रिया है, मैं जानता हूँ, मैं पार्षद रह चुका हूँ, परिषद की प्रक्रिया है कि एक सप्ताह के अंदर विशेष सम्मेलन बुला के उनको प्रक्रिया करेंगे। मान लो एक हफ्ते में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है परिषद से, तो हम फिर रोड में रहेंगे और इस बार हम शांतिपूर्वक आंदोलन की, अगली बार पब्लिक खुद तोड़ेगी। ये पूरे डिवाइडर वाले पूरे इस रीजन में कम प्रतिदिन घटनाएं होती हैं। कहते अभी परसों हुई, इसके पहले एक एम्बुलेंस टकरा गई थी, एक प्रसव के लिए जा रही थी महिला, तो वो भी एम्बुलेंस टकराई थी, गाड़ियां टकरा रही हैं और जो स्कूल बस है वो भी टकराई है। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होता है कि जब बस वाहन जब आते जाते हैं यहाँ से, तो अचानक लोग जब बाहर से आते हैं या स्थानीय लोग हैं या कोहरे के समय में भी, तो वो डिवाइडर दिखता नहीं, उसके कारण दुर्घटनाएं होना बहुत आम सी बात हो गई है। लगातार दुर्घटनाओं के कारण जनक्रोश बढ़ा है, इसको लेकर जब उनका सब्र भर बंद गया, मतलब सब्र का बैलून फटा है आज कुल मिलाकर। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.rewaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें WhatsApp करिए, हमारा WhatsApp नंबर है 9685369684। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।